हेलो, गुड इवनिंग। आप सबको आज शाम का सलाम। वी हैव आवर टीचर फ्रॉम कोस्टा रिका। ही इज ट्रैवलिंग, ही इज राइट नाउ इन कोस्टा रिका। हमारे साथ हमारे उस्ताद यहाँ पर जुड़े हैं जो फिलहाल अभी कोस्टा रिका में हैं, क्योंकि वो सफर कर रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर। यस, ही लिव्स इन न्यूयॉर्क, बहरहाल वो न्यूयॉर्क के रिहायशी हैं। न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क। एक्चुअली ही लिव्स इन ट्रॉय, द सिटी ऑफ ट्रॉय। लेकिन वो शहर जो है वो न्यूयॉर्क की एक स्टेट है, रियासत है ट्रॉय, वहां वो रहते हैं। सो वी कंटिन्यू अवर स्टडीज ऑन पास्टोरल एपिस्टल। सो हम अपनी जो तालीम का आगाज पिछले हफ्ता हुआ था पासबानी हतूत पर, उनको जारी रखेंगे। इट्स ऑल अबाउट शेपर्ड्स ऑफ द चर्च, पास्टर्स एंड एल्डर्स। ये जो तलीम है ये सारी उन चरवाहों की है जो कलीसिया के हैं, और पासबानों की है, एल्डर्स की है जो बुजुर्गान, एल्डर बुजुर्गान जो चर्च में खिदमत सर अंजाम देते हैं, ये उनकी है। लवली, सो गॉड ब्लेस यू जॉर्ज, थैंक यू इट्स ऑल चार्ल्स। योर्स। यस। ऑल राइट, थैंक यू चार्ल्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, good evening there, but good morning here. It's only 7 o'clock where I am in the morning, and I'm आप having सबको, like आप सबको आपके वक्त के मुताबिक शाम का सलाम। चूंकि यहाँ पर सुबह है तो मेरी सिर्फ अभी यहाँ के मेरे सुबह के 7 बजे हैं। and I'm actually in a hotel on the way to the airport. वाह। और चूंकि मैंने अभी कुछ वक्त में मैंने एयरपोर्ट के लिए निकलना है, तो मैं इस वक्त अभी एक होटल में मौजूद हूँ। So I apologize for any background noise. There's a lot of traffic, and I hope you can hear me okay. यस, इट्स क्रिस्टल क्लियर सर, नो Okay. वरीज। अगर All आपको right. किसी भी तरह की पीछे से शोर या कुछ सुनाई दे तो उसके लिए मैं माजर खाऊं। And I'm actually speaking using my cell phone, so the image might. Anyway, hopefully it's okay. इट्स All right. And I. Today would like to summarize what we talked about last week a little bit before starting. इससे पहले कि हम तालीम का आगाज करें, नए नुक्ते की जानिब आए, हम उसका खुलासा यहाँ पर पेश करेंगे जो हमने पिछले हफ्ता तालीम हासिल की। But first of all, I would like to start with a prayer. There are three or four prayers I use daily. और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम इसका आगाज दुआ से करें। मैं दिन में 3-4 मरतबा दुआ करता हूँ। And I apologize to the translator. I haven't sent her these yet, but I will be sending them. It's okay. Okay. The one for today is simply a Bible verse that you probably know, Micah 6:8, chapter 6, verse 8. It's Micah. Yes, the Old Testament. Yeah. Okay, Mikhail ki kitab. And it's just a verse from the Old Testament. The first time I read the Bible, it stood out to me as the essence or the central point of existence. ये बाइबल के जो इस हवाले के पुराने अहदनामा के जो ये आयत है, जब मैंने पहली मर्तबा बाइबल को पढ़ा था तो ये मुझे बिल्कुल अलग लगे, यानी ये मुझे इसका मरकजी नुक्ता लगा। And it goes like this: He has shown you, O man, what is or human, what is good. और ये कुछ इस तरह से थी कि मैंने तुम्हें दिखाया और इंसान क्या है और इंसान क्या अच्छा है। To do justice, to love mercy, and to walk humbly with your God. To do justice, love mercy, and walk humbly with your God. और सिर्फ मोहब्बत करना, रहम करना और अपने खुदा के साथ आजिजी से चलना। Please read from the Bible, straight from the She Bible. sure Micah. can Micah Micah the the prophet.
chapter, chapter? Six. Okay. Verse 8. Thank you, sir. ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदावन तुझ से इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। आमीन। And it's a way I try to live life. Let's put it that way. और इसी तरह जब मैंने इस आयत को पढ़ा तो मैं अपनी जिंदगी को इस नुक्ता नजर के मुताबिक गुजारने की कोशिश करता हूँ। And I will write down the other prayers and send them this week as soon as I get back to New York. पर मैं एक और आयत जो मैं लिखूंगा और इस हफ्ता वो मैं जब न्यूयॉर्क वापस चला जाऊंगा तो मैं उसको शेयर करूंगा। Last week we talked a little bit about the experience of Paul on the route to Damascus and how that changed his life. पिछले हफ्ता हमने चूंकि पलूस रसूल की तब्दीली के बारे में बात की कि उसने जो तजर्बा दमिश्क के रास्ते पर चलते हुए जो तजर्बा किया वो क्या था। And the various kinds of religious experiences people have throughout the world. और पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको मुख्तलिफ किस्म के मजहबी तजर्बात करने का मौका मिलता है और वो कर रहे हैं। And I would call it, some are true experiences, some are artificial or false experiences. और Does ये that make सब sense? मैं चूंकि इनको यू वाकई ही हकीकी तजर्बात करते हैं और कुछ जो है वो सिर्फ कह लें कि झूठे झूठे तजर्बात का भी इजहार करते हैं। I'm in Costa Rica right now in Latin America. मैं इस वक्त कोस्टा रिका में हूँ। And many young people from the United States or Europe or other places come here to have in their mind a religious experience. बहुत सारे जो लोग हैं नौजवान हैं जो यूरोप से और अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ पर आते हैं कि वो मजहबी तजर्बात कर सकें। But the way they do it is they use drugs, really, well, natural drugs, various mushrooms that they smoke or eat, and things to try to have an experience of something greater. और जिसमें चंद एक इस तरह से है कि वो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की जो कह लें कि मुख्तलिफ किस्म की तम्बाकू नोशी वो करते हैं और कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जो उनके लिए नुकसान का बाइस होता है। And I would call that a false experience or an artificial experience where you try to leave this normal world, but by using artificial things like drugs. और वो जब इस तरह की चीजें करते हैं उन्हें लगता है कि शायद उनके लिए वो ठीक है लेकिन वो दर हकीकत नुकसान का बाइस होता है। और मैं इस तरह के तजर्बे को झूठा तजर्बा करार देता हूँ क्योंकि वो कोशिश करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो दुनिया की ये जो मस्नूई चीजों का इस्तेमाल करके सुकून हासिल करते हैं या सही रास्ते की तरफ जाते हैं जो कि दर हकीकत झूठ है। It seems to be a natural human universal around the world experience to want to know something greater than ourselves. To know. ये इस तरह से है कि जो जो फितरती इंसान है वो पूरी दुनिया में अपने आप को चाहता है कि वो अजीम जाना जाए और वो बड़ा ही तरक्की पर जाए। And but drugs are not really necessary for that. Paul didn't do that, Jesus didn't do that, etc. लेकिन देखें अगर आपने वाकई ही आप दुनिया में तरक्की हासिल करना चाहते हैं खुशहाली हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए मंशियात
जरूरी हिस्सा नहीं कि आप इस तरह के किसी चीज का सहारा लेकर अपने आप को गादी बनाकर उस जगह पर जाएं। खुदा यीशु मसीह ने भी परेशानी में या पलूस सुनने भी अपने सताए जाने में ऐसी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया। But say the true religious experience that whether Jesus or Paul or Christians today have is somehow the ability to see the world around us, the normal world, but to see it through the eyes of God as something wonderful and miraculous. लेकिन देखिए हकीकी जो हमारा मजहब है, हमारा दीन है, हमारा जो ईमान है, वो खुदा यीशु मसीह और पुलूस रसूल की जो तालीम है उनके ऊपर चलना है, किसी और तालीम की तरफ नहीं। यानी वो तालीम जो हमें दुनिया सिखाती है, दुनिया में दुनिया को जो हम देखते हैं, वो जो सलाहियत है इन सारी चीजों को देखने का और इनमें जिंदगी गुजारने का हमने नुकता नजर बदलना है, और उन सारी चीजों को हमने खुदा के नजरिए से देखना है। I'm sure you all have heard of Albert Einstein, the great scientist. मुझे यकीन है कि आप सब ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सुना होगा, जो कि बड़े ही मशहूर साइंसदान थे। And there's a quote of his that I love. उनकी एक कोटेशन है, उन्होंने एक इक्तबास उन्होंने बयान किया जो मुझे बहुत ही पसंद है। Albert said, There are two ways to live life. अल्बर्ट फरमाते हैं कि दो तरीके हैं जिंदगी गुजारने के। One way is to live as if nothing is a miracle. वो एक जो तरीका पहला बयान करते हैं वो कहता है कि एक तरीका ये है कि जिया जाए जिसमें किसी तरह का कोई अगर कोई मौजा ना हो। And the other way is to live as if everything is a miracle. और दूसरा जो तरीका है जिंदगी गुजारने का वो ये है कि जिया जाए तो इस तरह से कि हर एक चीज मौजा है, या As तो if, यस कंटिन्यू। Okay. And so, and that's a, I suppose, a choice, but it's also. Based on how we experience life. देखिए ये बिल्कुल इसी तरह है कि मुझे ये लगता है कि इंतखाब करना वो आपकी बुनियाद है, यानी इंतखाब करना ही सही या गलत की ये बुनियादी काम है जो आपने करना है। Basically, you can choose to believe that there's nothing beyond you and what you see. बुनियादी तौर पर आप अपनी आप जो इंतखाब कर सकते हैं वो ये है कि आप इस बात पर यकीन रखते हैं या मानना शुरू करें कि आपसे आगे कुछ नहीं है, जो भी आप देख रहे हैं आपसे बढ़कर कुछ नहीं। Or you can choose to live as if everything around you and everything you experience is somehow dependent on another and absolutely wonderful. और जो दूसरा ये है कि अगर आप जो जिंदगी गुजार रहे हैं आप उसका इंतहाब इस तरह करें कि जिस जिस चीज का जो आपके इर्द गिर्द है आप उसका तजर्बा कर रहे हैं वो किसी तरह से दूसरी किसी चीज पर मुनहसिर है। When I think of just what we're doing today, for example, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि हम क्या करें कर रहे हैं, यानी मौजूदा दौर में हम क्या कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, and I compare it to 40 years ago when I was in school. 40 साल पहले जिस वक्त मैं स्कूल में था, None of this would have been possible that I could be in Costa Rica speaking to people around the world. देखें 40 साल पहले मैं एक स्कूल में था और अभी देखें ये किसी तरह से मुमकिन नहीं हो सकता था कि मैं कोस्टा रिका में हूँ और मैं दुनिया के दूसरे हिस्से से मुंसलिक लोगों के साथ हम कलाम हो रहा हूँ। It's truly miraculous, I think. सोचो और ये वाकई ही मौजा है मेरे ख्याल से। And that's the way I choose to live, and that's the way Einstein actually chose to live as well.
ये वो तरीका है जिसका इंतखाब मैंने किया जिंदगी गुजारने का, और मेरा ये यकीन है यही वो तरीका होगा जो आइंस्टाइन ने इंतखाब जिसका किया था जिंदगी गुजारने का। A famous, and we'll finish with this religious experience now. A famous German theologian once wrote about the essence of religious experience, the central part. एक मशहूर जर्मन माहरे माहरीन थे, उन्होंने मजहब के बारे में कुछ इस तरह से लिखा। That I have always thought is very true and helpful in understanding. और वो ये कहते हैं कि मैंने हमेशा जो कुछ मैंने हमेशा सोचा है वो बहुत ही सच्चा रहा और मददगार रहा। What he wrote was that true religious experience is the feeling of absolute dependence. उन्होंने जो सच्चा सच्चा मजहब है उसके बारे में लिखा कि जो सच्चा मजहब है वही जो हकीकी रास्तबाजी का इन्हिसार है। And what he meant by that was the feeling or the sense or the awareness of being absolutely dependent upon something greater than us for life and everything that we have. उन्होंने ये जो किताब लिखी उनका लिखने का जो हकीकी मकसद था वो ये था कि लोगों को इस बारे में उकसाना यानी बेदार करना, इस बात का एहसास उन्हें था, इसीलिए उन्होंने चाहा कि दूसरों को भी इसके बारे में वो एहसास दिलाएं कि किसी भी जो बड़ी चीज है यानी जो हमें चीजें बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं जो खुदा की तहलीक है और बहुत सी उसके मुतल्लिक चीजें हैं हमारी जिंदगी के हर दिन में, वो सारी चीजें मुनहसिर है, वो यानी वो किसी पर मुनहसिर है, कोई ऐसा शख्स है या कोई ऐसी चीज है जो जिसके अंदर है। तो वो जो खुदा का बंदा था वो इस बारे में लोगों को बेदार करना चाहता था, उसने लोगों को इस बारे में एहसास दिलाया कि ये सारी चीजें मुनहसिर। Meaning the sense, I'll write down the name because it's in my notes for next week. But the feeling, the sense, the awareness that we're not the center, that everything we have comes from something greater than us. मैं इनको लिखूंगा इसका नाम क्योंकि ये मेरे नोट्स में है। और देखिए जो एहसास हैं जो जज्बात हैं ये सब कुछ जो हमारे पास है इससे बड़ी भी एक चीज है जो हमारे पास आती है यानी इससे बढ़कर भी है कुछ। And to learn to be thankful for that. और हम सबको इसका शुक्रगुजार होना सीखना चाहिए। And I will write down the name in my notes next time for that. Let's see. So that sense of absolutely being dependent upon something greater than us, that thankfully we know as God through Jesus Christ. For our lives and all that we have. और हमें किस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए इसको हम देखते हैं तो ये एहसास ये है कि हमें बिल्कुल खुदा यीशु मसीह का शुक्रगुजार होना चाहिए, खुदा बाप का शुक्रगुजार होना चाहिए कि क्योंकि ये जो तमाम चीजें जो मौजूद हैं ये सारी मुनहसिर हैं खुदा के जात पर, और उसके जरिए खुदा का जो मंसूबा था खुदा यीशु मसीह के जरिए ये हमारी जिंदगियों तक पहुंचे। And for some people, that comes in a slow, gradual way as they grow older. And for others, it's a radical conversion experience. देखिए जो कुछ लोग हैं जो जिनके लिए जो बड़े होने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की करते हैं या आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते हैं और दूसरों के लिए भी एक बुनियाद बनते हैं, दूसरों के लिए भी वो उसका कहले के दूसरों के लिए भी वो रास्ते का बाइस बनते हैं, तो वो उनसे बात करते हैं ताकि वो अपनी बढ़ोतरी के साथ दूसरे के भी अच्छाई का बाइस बने। And I will write that next week along with the German phrase, which is an incredibly long word, schlechthiniger Abhängigkeitsgefühl. So it's, but it's that feeling, that sense, that awareness that
you know, everything that we are, that we have, that we do is dependent upon a greater power than us. देखिए मैं अगले हफ्ता ये जरूर ये अल्फाज लिखूंगा ताकि वो आप आपको भी मैं मतवज्जा करा सकूं. वो जर्मन वर्ड है, वो थोड़ा सा मुश्किल भी है मेरे लिए, तो मुश्किल है भाई, लेकिन उसका तर्जमा कुछ इस तरह से है कि जो नाकाबिले यकीन हद तक कह लें कि जो भी सारी चीजें हैं जिस तरह खुदा के खादम बयान कर रहे हैं कि ये वो एहसास है जो हमें बेदार करता है, जो हमारी तवज्जो मरकूज कराता है उन सब चीजों, उन सब मालूमात के की तरफ, कि जो कुछ भी जो चीजें हैं या जो काम भी हम अपनी जिंदगी में कर पा रहे हैं उन सब का एक हाकम है, यानी ये सारी चीजें मुनहसिर हैं. ये जर्मन एक बंदे ने लिखा था, तो इसके मुतल्लिक वो बात कर रहे हैं. About one little example of that, and I don't, do you have, is the group Alcoholics Anonymous known there? Do you know that group? मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि यानी आप क्या किसी ऐसे ऐसे ग्रुप को जानते हैं जिनका जो यानी जो शराब नोशी में मुब्तला हो, ऐसा कोई गुम नाम सा कोई ग्रो हो? I don't know. Alcoholics. Oh, okay. Sorry. Yeah. Alcoholics Anonymous is a worldwide group that of people who try to help others, themselves and others who are alcoholics. Wow. जो ये जो शराब नोशी वाले ग्रुप होते हैं, ये दर हकीकत इनका क्या काम होता है? उन लोगों की मदद करते हैं जो शराब नोशी में मुब्तला होते हैं, जो नशा करते हैं और खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, ये ग्रुप उनको उनकी मदद करता है. And they're not necessarily Christians. Oh. I get that now. Yes. और वो जरूरी नहीं कि वो मसीही ही हो. But as part of their central belief, they say every meeting that they have, they start with praying to their higher power. Wow. और वो क्या करते हैं, वो मसीही नहीं होते लेकिन फिर भी उनका मरकजी हिस्सा क्या होता है, वो उसको उसका जो आगाज है वो दुआ से करते हैं. जब वो मुलाकात करते हैं तो वो दुआ के साथ उसका आगाज करते हैं. By higher power, they just mean something outside themselves that's greater than them and that can help them. Wow. और देखिए वो बड़ी ही रूहानी कैफियत में, यानी जो खुद से बड़ा हो उसके उसको यकीन रखते हुए कि जी वो इन तमाम चीजों को करने की कुदरत रखता है, इस ईमान के साथ वो दुआ से आगाज करते हैं कि किसी तरह से इस शख्स की मदद की जा सके. And that higher power is who we know as God the Father, Son, and Holy Spirit, thanks to Jesus Christ. और हम जो सबसे बड़ी जो कुदरत है, ताकत है, उसको हम जानते हैं वो क्या है, वो खुदा बाप, बेटा और पाक रूह है, और हम सब उसके शुक्रगुजार हैं. Okay, so and living life as if everything is a miracle because of that wonderful higher power, God, through Jesus and the Holy Spirit that we know. अरे देखिए हमारे पास खुदा ने हमें जिंदगी अता की है और जिंदगी में हर जो नया दिन है वो हमारे लिए एक मौजा ही है कि खुदा में यीशु मसीह और जो बड़ी कुदरत है खुदा बाप आसमानी की पाक रूह की, इनके बरअक्स ही हमें ये तमाम नेमतें हासिल होती हैं. Yes, for Christians, of course, the higher power is God as revealed through the life, death, and resurrection of Jesus Christ. और मसीही होने के नाते हमारा इस बात पर यकीन है कि खुदा बाप ने अपने आप को खुदा यीशु मसीह के जरिए हम सब पर जाहिर किया और उसने जिंदगी और मौत मौत पर वो गालिब आए. And that is the resurrected Christ that changed Paul's life forever. और वो जो है वो है खुदा यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, जिसने पलूस रसूल की जिंदगी को तब्दील कर दिया. And that's when you think about that a little bit, and why I'm emphasizing that is when you realize Paul, a man who was persecuting, one experience, a vision was so powerful that the rest of his life was never the same. मैं आपको बार हाँ
बार हाँ दफा इसी नुक्ता की जानब इसलिए उकसा रहा हूँ कि आप सब इसके बारे में सोचे कि जो तजर्बा बलूस की जिंदगी में हुआ वो ऐसा था कि एक शख्स जिसके बारे में कोई ख्याल नहीं कर सकता कि इसकी जिंदगी तब्दील हो सकती है या ये कुछ इस तरह का काम कर सकता है, लेकिन खुदा ने उसकी जिंदगी में एक तजर्बा किया जो बलूस रसूल ने तजर्बा देखा, उसके वजह से वो बहुत ताकतवर हो गया क्योंकि खुदा ने अपना रूह उस पर उंडेला और फिर जो अपनी वो पूरी जिंदगी है वो कभी उस नुकसान से पीछे नहीं हटा। एक बार उसने मसीह को अपना आप दिया तो वो कभी उस नुकसान से पीछे नहीं हटा। And I could say probably the same for me, and I might share that next week in my own conversion experience with many failings along the way, but still events that caused a radical change in life. और मैं अगले हफ्ता इसके बारे में आपको तफसीलन जरूर बताऊंगा अपनी तब्दीली के बारे में भी कि किस तरह बहुत सारे तजर्बात और बहुत सारी नाकामियों का जो रास्ते से होता हुआ खुदा ने किस तरह मुझ में भी तब्दीली की। So, and before we continue, I'd like to give you the assignments for next week, or else I'll forget. श्योर, इससे पहले कि हम इसको जारी रखें मैं आपको अगले हफ्ते के लिए काम देना चाहूंगा। And to remind you, the overall assignment to make a map of Paul's missionary journeys. पर मैं ये आपको दोहराता जाऊं कि आप सबको मैंने बलूस रसूल की जो खिदमती दौरे थे उनका एक मैप तैयार करने का नक्शा बनाने के लिए कहा था, तो बराए मेहरबानी उसको भी आप जारी रखें। And then specifically for next week to finish reading the letters of Timothy if you haven't, and also to read the Paul's letter to Titus. और चूंकि पिछले हफ्ता आपको काम दिया गया था तिमोथियस के खतूत और उसके साथ साथ तीतस की किताब को और पलूस रसूल के इन खतूत को आपने पढ़ना है और इनको खत्म करना है अगर आपने इस हफ्ता तक अभी तक ये काम नहीं मुकम्मल किया। With any questions that you have, which will then be sent to me, and I'll attempt to answer as best I can. और आप सब कोशिश करें कि आप जब उनको पढ़ें तो आप उनमें सवालिया निशान भी लगाएं, सवाल भी आप तैयार करें और वो सवाल आप हम तक पहुंचाएं ताकि उन सवाल के मुताबिक आपको जवाब मिल जाए। Okay, after Paul's second missionary journey, पलूस रसूल के दूसरे खिदमती दौरे के बाद In we think about 49 or 50, the year 49 or 50. ये 49 और 50 की दिहाई में है मेरे ख्याल से। A group of followers of Jesus met in Antioch. और And then, well, in to form the Council of Jerusalem. Well, अंताकिया में खुदा यीशु मसीह के जो ईमानदार थे, खुदा यीशु मसीह के जो लोग थे उनसे उसकी पलूस रसूल की मुलाकात हुई। We're going to talk about the Council of Jerusalem and its effect for Paul, Timothy, Titus. और हम जो है हम पलूस रसूल की कौंसिल के बारे में बात करेंगे, उस खिदमत के बारे में जो उन्होंने यरूशलेम में की और उसके जो असरात थे पलूस पर, तिमोथियस पर और तीतस पर। So in Acts chapter 15, verses 1 and 2, तो अमाल उसके 15वें बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत में You can read about the background. हम इसका जो है पसे मंजर देखते हैं। So, around 49, a group of traditional Hebrew Jewish believers from Jerusalem got to Antioch. यहाँ पर हमें 49 के दहाई के करीब रवायती जो एक ग्रुप था, रवायती ग्रोह जो था यरूशलेम में इब्रानी और यहूदियों यहूदियों के ईमानदारों से होता हुआ अंताकिया में पहुंचा। And they found in Antioch some new believers in Jesus who were not Jewish, who were Gentiles. वाह,
और उन्होंने अंताकिया में वो जिनसे मिले थे वो खुदा यीशु मसीह के मानने वाले जो लोग थे वो यहूदी नहीं थे, वो गैर कौम थी। And they started to teach, these are people that Paul had convinced to believe in Jesus. और उन्होंने क्या किया, वो उन लोगों को तालीम देने लग पड़ा कि जो पलूस रसूल था वो लोगों को कायल करता था कि वो खुदा यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए। But this group of traditional believers then started teaching them that they must first become Jewish converts. वो जो थे वो रवायती ईमानदारों का ग्रुप था, रवायती वो दीनदार थे। तो उन्हें जो तलीम देना था वो सबसे पहले वो एक बड़ा ही कह ले के एक मुश्किल भी काम था, क्योंकि वो यहूदी थे तो इसलिए वो यहूदी नुक्ता नजर के मुताबिक उनको तलीम देता था। And for the men, that meant that they would have to be circumcised as Jewish converts before they could really be followers of Christ. और वो जो उनके जो लोग थे वो उनसे खतना के मुतल्लिक बात करते थे और वो कहते थे कि यहूदी यानी जो कि वो यहूदी रवायती थे तो उनसे वो उनके नुक्ता नजर के मुताबिक हम कलाम होता था, तो यहूदी इससे पहले कि वाकई खुदा यीशु मसीह के पीछे हो ले तो वो उनसे खतना के बारे में कहता था कि खतना किए जाए और उसके बाद वो अपना जो ईमान है वो खुदा यीशु मसीह पर लेकर आए। If you read, you continue in Acts chapter 15, verses 3 through 21. अगर आप इसको मुकम्मल अमाल उसके 15वें बाब और उसकी तीसरी आयत से 21 वर्स तक पढ़ें। You'll see that Paul disagrees completely with them. यहाँ पर हम देखते हैं कि पलूस रसूल मुकम्मल तौर पर उनसे इख्तलाफ करता है। So Paul disagrees deeply with these Jewish followers of Christ from Jerusalem who are trying to turn or force the believers in Antioch to be Jews first. और यहाँ पर हम देखते हैं कि पलूस रसूल यरूशलेम में वो जो यहूदी जो वो बड़े मजहबी पेशवा थे उनके साथ बड़े ही गहराई के साथ वो इख्तलाफ रखते हैं, क्योंकि वो उनकी बातों का इनकार करते हैं लेकिन वो उनसे इख्तलाफ रखते हुए उन्हें बयान करते हैं कि रुजू लाएं और खुदा यीशु मसीह के साथ जुड़े, और लेकिन वो उन्हें कोई और तालीम दे रहे थे। And this creates a crisis in the church. यहाँ Or पर creates a crisis amongst the followers or believers in Jesus. यहाँ पर हमें तसादम मिलता है, खुदा यीशु मसीह का जो कलीसिया थी खुदा यीशु मसीह की उनके दरमियान और यहाँ पर जो वो पेशवा थे मजहबी उनके दरमियान हमें तसादम देखने को नजर आता है, क्योंकि इस तरह की बहस के बाद बातें जो पलूस रसूल उनसे कर रहा था, जो बयान वो उनसे कर रहा था, उनके दरमियान एक तसादम सा था। Last week, I said that some people call Paul the founder of Christianity. पिछले हफ्ता जो कि मैंने आपसे बयान किया था कि कुछ जो लोग हैं, कुछ जो बड़े स्कॉलर्स हैं, वो ये बयान करते हैं कि पलूस रसूल जो है वो कलीसिया की इब्तिदा है, यानी मसीहियत को दरियाफ्त करने वाला है। And I should clarify that, what that means. मैं इसको बराह रास्त आपसे वाजिया तौर पर बयान करना चाहूंगा कि इसका हकीकी मतलब क्या है। It does not mean that he created Christianity. इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उसने मसीहियत को बनाया। I'm absolutely sure that Jesus also envisioned a worldwide belief. मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि खुदा यीशु मसीह का एक मंसूबा था, यानी पूरी दुनिया के मतलब खुदा यीशु मसीह का ये एक मंसूबा था जो खुदा यीशु मसीह ने पलूस रसूल के जरिया से इस तरह किया। But Jesus's ministry in life, while alive, was restricted to or limited to the Jewish society in Israel. लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में खिदमत की और वो महदूद हद तक थी, यानी उसकी जो महदूद हद थी वो यहूदी यहूदी जो
सोसाइटी थी और इसराइली इन सोसाइटी में थी. What Paul did was, after his conversion experience in Damascus, was to reflect for years what this meant, not just for Israel, but for the rest of the world. पलूस रसूल की जब तब्दीली हुई दमिश्क के रास्ते पर, तो उसने किस बात का तजर्बा किया था? दर हकीकत उसने ये तजर्बा किया था, जिसका मतलब ये था कि खुदावन यीशु मसीह, यानी वो इस बात का के मतलब सवाल के पीछे था कि इसका मतलब क्या है कि ना, खुदावन यीशु मसीह ने जब ये कहा कि ना सिर्फ इसराइल के लिए बल्कि खुदावन यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए है. तो इस तरह से इस बात को समझते हुए पलूस रसूल गैर कौमों में भी निकला. The question being, do believers in Jesus first need to be Jews and follow the law, or is it something else? And Paul realized it was the faith itself in Christ is what they needed, not the law. वाह, देखें पलूस रसूल का यहाँ पे जो सवाल था वो ये था कि क्या ईमानदार होने के लिए, यानी क्या दीनदार होना है, खुदा यीशु मसीह के पैरोकार होना है, तो क्या उसके लिए यहूदी होना ही लाजिम है या कुछ और है? बल्कि पलूस रसूल ने इस बात का एहसास दिलाया कि ईमान ही सब कुछ है. ईमान वो चीज है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप यहूदी हैं, आप या गैर कौमों से ताल्लुक रखते हैं, या आपका किसी भी जगह से ताल्लुक है, किसी भी मजहब से, किसी भी ग्रोह से. सिर्फ ईमान की बुनियाद पर ही आप मसीह को हासिल कर सकते हैं. So there's this crisis of understanding between the Jewish sect from Jerusalem and what they believe. और ये And जो go ahead. यस और ये जो ये जो बहरान था, जो इख्तलाफात उस वक्त पैदा हो रहे थे यहूदियों के दरमियान, जब वो यरूशलेम में था खुदा का बंदा और उनके जो बड़े पेशवा थे उनके दरमियान जो उनको मानते थे, बहरान पैदा हो रहा था. A sect of Judaism and Paul's belief in a universal worldwide movement. और जो यहूदियत का एक बड़ा फिरका था वो, और पलूस रसूल चूंकि वो ईमान में, यानी वो जो अपने ईमान में बड़ा ही ज्यादा मजबूत था, वो उस पूरी दुनिया, उस मतलब उस इलाके में वो बड़ा ही शोहरत पाने लगा. यानी वो लोग खुदा के कलाम को जब लोगों तक पहुंचा रहा था तो लोग तवज्जो मरकूज कर रहे थे. So the leaders of the Jewish sect, the former disciples of Jesus who were in Jerusalem, decide to call Paul and Barnabas to Jerusalem. So, जो मजहबी पेशवा थे उन्होंने फैसला किया कि खुदा के जो बंदे हैं पलूस रसूल को और जो बरनाबास है उन्हें यरूशलम में बुलाएं. To report on their missionary activity among the Gentiles that Paul had done on his voyages. Wow. कि वो आए और जो गैर कौमें हैं वो उनमें खुदा के कलाम की खिदमत करें, जिस तरह पलूस रसूल ने उनके दरमियान किया था. So what we call the Council of Jerusalem. और जो यरूशलेम में उन्होंने कौंसल किया था उसको क्या कहते हैं? Met in 4550 to try to resolve this issue. हम इसको मत्ती उसके 45वें बाब और इसकी 50 आयत में देखते हैं. The Jews, it's met met me sorry Okay. I So didn't in get that. 4950, Paul and Barnabas travel to Jerusalem to discuss this issue, basically. That's all right, the all Jerusalem right. Council. Yeah, for yeah, Jerusalem Council, right. Yes. Yes. ये 49 और 50 की दहाई में जो उन्होंने यरूशलेम में काउंसिल की थी उसके मुतालिक है. Because amongst the Jewish or the sect,
The belief in Christ or in Jesus was still called the way of salvation. The way of salvation. और ये जो था ये यहूदियों के दरमियान था और खुदावन्द यीशु मसीह पर खुदावन्द यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है और वही हमारा निजात का रास्ता है उसके मुतल्लिक था। And it was simply one Jewish sect, and there were others. There were other Jewish leaders regarded as messiahs. The way of salvation, a Jewish sect. यहाँ पर जो यहूदी जो फिरके थे ये एक दूसरे फिरका था और वहां पर यानी वहां पर मुख्तलिफ यहूदी फिरके बने हुए थे और उनके रहनुमाओं को खुदा के बंदों ने खुदा यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है निजात का रास्ता है उनके मुतालिक तलीम थी। Antioch is important because it was there that the first Gentile church, so a church without being Jewish, was established. Wow. अंताकिया हमारे लिए अहम अहमियत रखता है इसलिए कि वो पहला ऐसा चर्च था जो गैर कौमों में बनाया गया और वहां पर बगैर यानी वहां पर कोई यहूदी नहीं था और यहूदियों के बगैर गैर कौमों में कायम किया गया। If you read in Acts chapter 11, verses 19 through 26, अगर आप अमाल उसका 11वां बाप और उसकी 19वीं आयत से 26वीं आयत का मुताल्या करते हैं, that is where believers in Jesus are called Christians for the first time. यहाँ पर हमें ईमानदार मिलते हैं वो जो गैर अक्वाम से जिनका ताल्लुक था और वो मसीही ठहराए गए खुदा यीशु मसीह में। And so it was there that the Christian church was first recognized as something very different or uniquely different from Judaism. और ये पहला पहला जो खुदा का घर था पहला चर्च था जो तस्लीम किया गया यानी ये बहुत ही मुख्तलिफ था और मुनफरिद था यहूदी तर्ज अमल से क्योंकि ये बिल्कुल गैर अक्वाम में बनाया गया था उन्होंने खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाया। Now, that's what Paul and Barnabas are called to Jerusalem to discuss with the way of salvation leaders who were still thinking of it simply being a form of Judaism. Wow. और ये सब वही है जो पलूस रसूल और बरनाबास को यरूशलेम में इसलिए उन्होंने बुलाया गया था कि ताकि वो वहां पर आए और उनसे बातचीत कर सके और उन जो रहनुमा थे जो मजहबी रहनुमा थे जो अपने ख्यालात बांधे हुए थे उनको निजात का रास्ता दिखाए और निजात के बारे में उनको तालीम दे क्योंकि वो अभी भी उन्हीं सोचों में थे। And so the council meets, and Paul brings Titus along as an example of a Gentile believer in Christ. So, यहाँ पर जो काउंसिल थी जो इजलास था कह लें वो जो हो रहा था और पलूस रसूल ने उन गैर अक्वाम को एक मिसाल देता है। You can read about that in Galatians chapter 2, verse 1. वो हम गलतियों दूसरा बाप और उसकी पहली आयत में देखते हैं। So Paul and Barnabas go and meet with these group of believers in Jerusalem that include former disciples of Jesus. यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि पलूस और बरनाबास यहाँ पर जो ईमानदार का जो फिरका था जो ईमानदार थे उनसे मिलने के लिए वो यरूशलेम में गए। And in Galatians chapter 3, verse 2, और गलतियों उसका तीसरा बाप और उसकी दूसरी आयत में हम देखते हैं। And chapter 4, verse 8 through 16, और फिर हम इसके चौथे बाप की आठवीं आयत से सोलहवीं आयत तक देखते हैं। You can read how Paul and Barnabas tell the former disciples of Jesus and the church in, or the way of salvation people in Jerusalem about the wonderful signs and wonders that God has been doing among the Gentiles, not just the Jews. Wow.
यहाँ पर आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि पलूस और बर्नबास ने कैसे वहां पर कलीसिया में काम किया, कैसे उन्होंने उनको निजात का रास्ता दिखाया और कैसे उन्होंने लोगों में हैरान को मौजा दिखाए, जिसके बायस वो वाकई ही खुदा की जात पर, उन खुदा की निजात की तरफ मुतवज्जा हुए। ना सिर्फ खुदा ने यहूदियों में काम किया, बल्कि खुदा के बंदों ने मिलकर खुदा के रूह के वसीला गैर अकवाम में भी काम किया। The leader of the Jewish believers in Jerusalem seems to have been James. यहाँ पर जो यहूदी जो पेशवा थे, यहूदी जो मानने वाले थे, वो हमें देखने को मिलते हैं यकूब के खत में। And James is the one who decides that, and the others agree that Jewish believers, the people of the way of salvation, should not make it difficult for the Gentiles who were turning to God through Jesus. उसका ये मानना था यकूब का, उसने इस बात पर वो पुख्ता हुआ, उसने कहा कि जो दूसरे जो लोग हैं जो खुदा की तरफ रुजू लाते हैं, मुत्तफिक होते हैं, तो जो गैर जो यहूदी है जो नहीं मानते, वो निजात पे आने वाले लोगों को किसी भी तरह से उनके लिए मुश्किलात का बाइस नहीं बनना। So the decision is Gentiles such as Titus. जैसा कि हमें वो गैर कौम के तौर पर मिलता है तीतस की किताब, And you can read about this in Galatians chapter 2, verse 3. और आप इसको गिलेशियंस गिलतियों उसका दूसरा बाप और उसकी तीसरी आयत में भी पढ़ सकते हैं। We're no longer required to follow the traditional Jewish religious laws and rituals. यहाँ पर लिखा है, लेकिन तीतस भी जो मेरे साथ था So यूनानी है, खतना करने पर मजबूर ना हुआ। they shouldn't make it difficult for the Gentile. और वो ये खुदा के बंदे उन्हें इस बात पर रजू ला रहे हैं कि जो गैर कौमें थी, वो जो यानी ईमानदार नहीं है और जो खुदा में रजू ले आए हैं, खुदा में यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं, वो यहूदी उनके लिए मुश्किलात का बाइस ना बने। And here you see that Titus was very important for this, but because they realized, even though he was not a Jew and did not follow their rituals, he was a true believer in Jesus. यहाँ पर आप देखते हैं कि तीतस जो है वो बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि वो हालांकि वो यहूदी नहीं था, वो एक आम इंसान था, वो गैर कौम से उसका ताल्लुक था और वो उनकी रस्मात पर भी अमल नहीं करता था, लेकिन वो रासवास था। And when we talk about Jewish religious rituals, what we're talking about is not things like justice and mercy, but the dietary, the foods you can eat or foods you can't, or the clothes you can wear and clothes you can't. यहाँ पर हम यहूदी जो रसूमात हैं उनके बारे में सिर्फ बात कर रहे थे, और जिस तरह हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और इंसाफ रहम जैसी चीजों के बारे में भी हमने जिक्र नहीं किया, लेकिन खाने के बारे में यानी गजाइत जो खाना आप खाते हैं, जो चीजें आप खा सकते हैं इनका खाना, और जो चीजें आप नहीं खा सकते और जो कपड़े आप पहनते हैं और पहन सकते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। The decision of the council then finally was that James, Peter, and John. जो यहाँ पर ये तमाम जो इजलास हो रहा था, ये इसका जो फैसला आखिरकार जो यकूब पतरस और यहुन्ना ने किया। Who were the leading members of the Jewish community in Jerusalem? और ये जो बंदे थे वो यहूदियों के अरकान थे। That they should concentrate on witnessing to the Jews about Jesus. लेकिन वो उनके दरमियान रहकर क्या कर रहे थे, वो यहूदियों को इसके बारे में बयान कर रहे थे, यानी वो खुदा यीशु मसीह की गवाही देते थे कि उनकी तवज्जा वो मरकूज करा सके निजात की तरफ। And Paul and Barnabas
were और पुल given the leader's blessing to take the good news to the Gentiles around the Roman world. वाह, और पलूस और बर्नाबास जो थे वो इर्द गिर्द जो गैर कौमें थी और पूरी दुनिया में वो खुशखबरी को फैलाते जा रहे थे. And you can read about that in Galatians chapter 2, verse 9. आप इसको गलतियों दूसरा बाप और उसकी नाम याद में पढ़ सकते हैं. So the crisis was resolved that in that way. So इस तरह से खुदा यीशु मसीह ने इन तमाम जो ये जो बुहरान थे उस वक्त इनको हल किया. Which is why we refer to Paul and Barnabas, the founders of the Christian church as we know it. और इसीलिए जो पलूस सूर इस बात का हवाला देते हैं बर्नाबास और बर्नाबास के बारे में और उनके बारे में कि वही जो है वो मसीहियत को दरियाफ्त करने वाले हैं और मसीहियत यानी चर्च को बनाने वाले हैं. Understanding that it's not simply a type of Judaism, but something new. और वो इस बात को जानते हुए इस बात को वो सोच समझ रखते थे कि ना सिर्फ यहूदियत तक ही महदूद है खुदा खुदा यीशु मसीह बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए है. यानी उन्होंने एक नए अंदाज को नई दलील को लोगों तक पहुंचाया. And with that, I'll finish the background of the reality that is occurring in the events and situations that Paul writes to Timothy and Titus about. और मैं इसका इख्तिताम जो है इसके पस मंजर पर करूंगा कि जो हकीकत में ऐसा हो रहा है या हकीकत में ऐसा है कि वो वाकयात और जो वो हालात जो पलूस रसूल और बर्नाबास के बारे में लिखते हैं. So for the last two sessions we'll be focusing strictly on the letters, their content. And that's why I would like your any questions that you might have, if you could get them to me somehow, we'll be responding to those as well over the next 2 weeks. Okay. और इसीलिए मैं यही चाहूंगा कि हम इन हदूद को गहराई के साथ देखें और मैं इसीलिए आपसे बारह बार ये कहता हूँ कि आपके पास कोई भी सवाल है मैं चाहूंगा कि आप वो सवाल मुझसे करें और अगर आप इन्हें किसी तरह से भी मुझ तक पहुंचा सकते हैं तो आप मुझ तक इनको पहुंचाएं ताकि मैं इनका जवाब दूँ और हम हर एक उन जो जो इन हदूद में हमें निशानियाँ मिलती हैं वो जो जगह मिलती हैं जो काम जो खिदमतें उन्होंने सर अंजाम दी हम उनको गहराई से देखें और उनमें से सीखें. Okay, thank you. That's an hour today. And I hope you have a wonderful, miraculous day. Same to you, sir. And look forward to seeing you next week from New York. All right. और मुझे खुशी है आज के इस वक्त के लिए जो खुदा उनकी तरफ से हमें मिला था और उम्मीद करता हूँ कि अगले हफ्ता आप सब से मुलाकात होगी ठीक न्यूयॉर्क से और आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरे. Okay, God bless. God bless you too, sir. Okay, thank you. Thank you. God bless, George. Okay. Bye-bye. I have to go catch my airplane. Sure. Okay. Have a safe flight. Thank you. See you next week. I'll be writing. Bye-bye. Okay, bye.